चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रही है गुड इवनिंग, तो सभी को गुड इवनिंग। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपना इवनिंग से। तो मेरी इवनिंग की शुरुआत जो है वो चाय से होती है। आप में से किस किस की शुरुआत चाय से होती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से मेरी मॉर्निंग में मुझे एक कप प्याला चाय का चाहिए होता है, उसी तरीके से इवनिंग में भी मैं सबसे पहले सो के उठती हूँ तो सबसे पहले किचन में आना और मेरा चाय बनाने का काम होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे अदरक वाली चाय, क्योंकि अदरक वाली चाय मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ चाय, उसके बाद करते हैं। साथ साथ दूध भी बॉईल करने के लिए था तो मैंने सोचा चलो चाय बन रही है उसी के साथ साथ जो मिल्क है उसे भी फटाफट से बॉईल कर देती हूँ। वैसे तो मिल्क जो है वो मॉर्निंग में आ जाता है, लेकिन आज मॉर्निंग में गर्म नहीं किया था क्योंकि मिल्क ऑलरेडी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा जब तक चलो चाय बन रही है तब तक मिल्क भी गर्म करने रख देती हूँ। और कृष्णा के लिए थोड़ा सा दूध रखा हुआ था क्योंकि कृष्णा को भी इवनिंग में दूध चाहिए होता है, तो उसको दूध पहले से रखा हुआ था ऑलरेडी। तो उसको मैंने दूध जो है वो बॉर्नविटा में मिला के दे चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरी फटाफट से चाय भी जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, मतलब चीनी डाली है, क्योंकि सबसे पहले मैं पानी में अदरक को डाल के काफ़ी अच्छे से पका लेती हूँ। उसके बाद मैं उसमें चीनी और चाय पत्ती को ऐड करती हूँ। 2 मिनट खौलाने के बाद उसके बाद डालती हूँ मैं दूध। तो चाय जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है और कड़क चाय बनती है। तो यहाँ पर मेरी चाय जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं छान रही हूँ और फटाफट से पीने की तैयारी कर रही हूँ। और काश आप लोगों के साथ भी इवनिंग की चाय हो जाए। तो चलिए आप और हम दोनों लोग साथ मिलके करते हैं इवनिंग की चाय को एंजॉय। तो चाय बनाने के बाद मैंने यहाँ पे आ गई हूँ कृष्णा के पास। उसके स्टडी का टाइम भी हो गया है, तो कृष्णा चाय के साथ साथ मैं कृष्णा को भी बैठा लेती हूँ उसकी स्टडी के लिए, क्योंकि स्कूल होमवर्क होता है, उसके बाद घर का होमवर्क होता है, कुछ उसकी चिट चैट होती है, स्कूल की बातें होती है जो कि वो पूरे ही दिन चलती रहती हैं और पूरे ही दिन वो बताता रहता है। अधिकतर मैंने देखा है कि 4 से 5 साल के बच्चे को 1 से 2 बार कहने में वो पढ़ाई करने नहीं बैठते हैं, कम से कम 6-7 बार आप कहिए उसके बाद वो बैठेंगे। तो सेम अभी इस टाइम पे जो सेम कंडीशन जो है वो कृष्णा के साथ भी है, 4-5 बार जब तक उसको कहो मत जब तक वो पढ़ाई के लिए नहीं बैठता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कृष्णा को होमवर्क करा रही हूँ और आज थोड़ा सा मैं जल्दी बैठा लिया क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। अगर हो सका तो मैं जरूर शूट करूंगी, अगर नहीं शूट कर पाऊँ तो उसके लिए माफी। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ साथ कृष्णा को करा लेती हूँ स्टडी और उसके बाद एज यूजल हमारी लेडी का जो काम होता है डिनर की प्रिपरेशन करना। तो डिनर की प्रिपरेशन में आज मैं डिनर में क्या बनाने जा रही हूँ वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ कृष्णा की स्टडी, अपनी स्टडी नहीं, कृष्णा को करा देती हूँ फटाफट से स्टडी, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। मार्केट के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ भरमा बैगन। तो किस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैंने छोटे छोटे से बैगन लिए हैं जिनके 4 मैंने पीस कर लिए हैं, 4 पीस करके कट कर लिए हैं, उन्हें पूरा कट नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च, जो भी हमारा एज यूजल मसाला होता है, उसको मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। अब मैं उसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक वगैरह, लहसुन वगैरह सारा कुछ इसमें डाल दिया है। डिपेंड करता है आपकी बैगन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 kg है, 1/2 kg है या 1 पाव है या 100 ग्राम है, उस तरीके से आपको अपने मसाले को करना है रेडी। तो यहाँ पे मैंने प्याज का जो है वो पेस्ट बना लिया है। उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को कर लूँगी मैं कट और एज यूजल इसका भी मैं प्यूरी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं अपनी सब्जी के लिए वो ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसमें डाला है जीरा, हल्की सी हींग, क्योंकि जो बैगन होता है वो थोड़ा बादी होता है ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हींग का यूज किया है। उसके बाद जो मैंने मसाला डाला था उसको मैं इसमें डाल दूंगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम में, जितनी आप स्लो फ्लेम में अपने मसाले को पकाएंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो मेरी भी यही आदत है, मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम में, चाहे मुझे 10 मिनट के 15 मिनट क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं अपनी सब्जी को बिल्कुल
बिल्कुल स्लो फ्लेम में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से टमाटर थे उसकी भी प्यूरी बना ली है और साथ ही साथ मेरा प्याज भी जो है वो भुंज रहा है। उसी के साथ साथ जिंजर गार्लिक का रेडीमेड पेस्ट आता है, वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो घर में ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और भुंजना ऐसे समझ आता है जैसे कि वो तेल जब छोड़ देता है, तो ये मान लीजिए आपका मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो उसमें मैं एज यूजुअल जो भी हम सब्जी में मसाले डालते हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, सारा कुछ मैं इसमें डाल दूंगी और इसको 1 से 2 मिनट तक पका लूंगी। और पकाने के बाद ये ऑयल तो छोड़ ही चुका है, तो ये अच्छे से 2 से 3 मिनट में हमारे मसाले भी जो है वो अच्छे से पक जाते हैं। उसके बाद जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो भी मैं इसमें फटाफट से ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने प्याज में टमाटर की प्यूरी भी जो है वो ऐड कर दी है और हम इसे 5 से 10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम में, जैसा कि मैंने बताया, इसको हम पका लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो मैंने बैगन दिखाए थे ना आपको स्टार्टिंग में, वो इसमें डालने हैं। तो उसी बीच मुझे लगा मैंने थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो कम डाला है, क्योंकि सॉल्ट जो है ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, मीडियम खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम लगा तो बीच में मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया। आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और भुनने के बाद इसमें मैंने आधा कप मान लीजिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैंने ये छोटे छोटे से बैगन कट किए थे, जो कि आपको मैंने दिखाए थे, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से डालना है। मैंने इसमें भरमा बैगन तो बताया है, लेकिन मैंने इसमें मसालों को भरा नहीं है। मैं भरमा बैगन कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, तो इस तरीके से एक बार आप भी बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यमी और डिलीशियस होता है, विश्वास करिए बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस इसको मैं 5 से 10 मिनट पकने के लिए रख दूंगी और मेरी रेसिपी जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। रेसिपी बैगन, भरमा बैगन आप बोल सकते हैं इनको। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड करने जा रही थी, उसके बाद मुझे लगा नहीं, पहले जो है बैगन को अच्छे से पकने देती हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको ऐड करूँगी। तो मैं क्या डालने जा रही थी, मैं एक्चुअली आमचूर जिसे बोलते हैं, जिसे खटाई बोलते हैं, पिसी हुई, थोड़ा सा खट्टापन के लिए, तो यहाँ पे उसे मैं पहले बैगन अच्छे से जब पक जाएंगे उसके बाद जो है मैं डालूँगी। तो यहाँ पे जो मेरे बैगन है वो 5 से 6 मिनट लगने में और मेरे बैगन जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया आमचूर, कोई आमचूर बोलता है, कोई पिसी हुई खटाई बोलता है, और मैंने आमचूर की जगह ले लिया था चाट मसाला। माय मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी ऐसा, आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है, होता हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला ले लिया था, उसके बाद मैंने आमचूर लिया है और 1/2 स्पून जो है वो मैं आमचूर डाल दूँगी, थोड़ा सा खट्टा भी हो जाए। तो बस इसमें हमें आमचूर डालना है, उसके बाद इसे हमें चला देना है और हमारे भरमा बैगन की रेसिपी जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग के बीच में ये कहाँ का व्यू आ गया, तो ये व्यू पहले मैं बता देती हूँ, ये है किन्नौर का, जहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे, लाइक 4 से 5 दिन हो गए, लास्ट वीक मान लीजिए वो गए थे घूमने के लिए। सो मैंने उनसे कहा था कि हो सके तो मेरे लिए वीडियो शूट कर लेना, ताकि मैं अपने फ्रेंड को भी दिखा दूँ वहाँ का व्यू, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी।
तो जैसे कि मैंने टाइटल दिखाया आपको, टाइटल में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पतियों का जो प्यार होता है, प्यार तो होता है लेकिन सबका जताने का जो स्टाइल होता है ना वो अलग-अलग होता है। तो उन्होंने कोशिश की और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो थोड़े से शाय हैं, वो कैमरे के आने के सामने से शायनेस लगती है उनको, बट वो शूट करके लाए, मुझे यही बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि लास्ट में आई नो वो भी मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। सो इसी वजह से मैं दिखाना चाहती थी, ये है स्टाइल प्यार जताने का कह लीजिए, किस चीज का, क्या बताऊं मैं आपको, आप लोग समझ सकते हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है और बहुत ही प्यारा सा व्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जो है वो एकदम से नीचे आ गया है। बहुत ही प्यारा सा व्यू है किन्नौर, और मैं तो यहाँ पे पहुंची नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो पहुंच गए। तो नेक्स्ट टाइम हो सका तो मैं भी पहुंचूंगी और डेफिनेटली आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए